एक मौसम है, होली का त्योहार आने वाला है, तो जहाँ हंसी खुशी सब कुछ रहता है, थोड़ा सा हम इसलिए आपसे माफी मांगेंगे कि चूक हो गई हमसे, क्योंकि कुछ समय के लिए ये थोड़ा क्लैश कर रहा है स्कूल के एग्जाम से, कॉलेज के एग्जाम से, तो पर क्योंकि ये हमको 12 तारीख का एक दिन था जिसको हमको मनाना था, तो इसीलिए हम इसको चेंज नहीं कर पाए, पर फिर भी आप सब लोगों का इतना साथ मिला, आप लोग सब आए, दो स्कूल्स दो कॉलेजेस, वी रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर एंड दैट यू टुक द ट्रबल ऑफ प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एंड पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेलिब्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ से पहले से चली आ रही है। और हमारे बहुत कार्यकलाप रहते हैं जिसमें जो एक रहता है, हम लोग के देश में 3,500 से ज़्यादा सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जो गेजेट नोटिफिकेशन से सेंट्रल लॉ के अंतर्गत प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ASI की ये होती है कि वो जो धरोहर है उसको हम संभाल के रखें और ये देखें कि वो जिस तरह से हमको वो धरोहर मिली है, आगे की पीढ़ियों को भी वो धरोहर मिले। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है और हम इसको बहुत ही सीरियसली और बहुत ही गरिमापूर्ण मानते हैं कि हमको इसके लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त ASI का एक और विंग होता है जो एक्सकवेशन करता है, जो खुदाई करता है, क्योंकि आपको आप लोग स्कूल कॉलेजेस में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सिंधु सभ्यता के बारे में जो आप पढ़ते हैं, ये जितना भी आपको ज्ञान मिलता है ये सब क्योंकि खुदाई हुई थी, खुदाई से इसके अवशेष मिले थे, उन अवशेषों को पढ़ा गया था और उसी के आधार पर आज आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। तो ये सारा काम करता है एक्सकवेशन ब्रांचेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। पटना एक ऐसा शहर है जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पटना सर्कल ऑफिस है। पटना सर्कल ऑफिस बिहार के 70 मॉन्यूमेंट्स और साइट्स के रखरखाव की जिम्मेदारी लेता है। इसके अलावा पटना में एक्सकवेशन ब्रांच 3 पटना है जो एक्सकवेशन करवाती है। ये एक पूरी तरह से एक्सकवेशन के लिए ही ये ब्रांच बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक साइंस ब्रांच भी है, क्योंकि हम लोग जब कहते हैं कि हम एक धरोहर की रक्षा कर रहे हैं तो उसमें हमको बहुत चीज़ें पटना सर्कल ASI इनको सुना इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि ASI जब नाम आता है और साथ में पटना सर्कल जुड़ जाता है तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को सीमित कर देते हैं। लेकिन आपने इनके माध्यम से जाना कि किस तरीके से 70 साइट्स, इसके अलावा एक साइंस ब्रांच है, साइंस ब्रांच के अलावा एक्सकवेशन ब्रांच है इनके, तो काफ़ी विस्तृत जो है ये काम करते हैं। अब इसी के साथ हम आगे रुख करते हैं और आगे रुख करते हुए अपने मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद सर को बुलाऊंगा मैं मंच पे कि कृपया कर दो शब्द कहें और बच्चों के साथ जितने भी दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं उनका थोड़ा मार्गदर्शन करें इस विशेष जो है हमारी जो हमारा कार्यक्रम है उसके अवलोक पे। डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद सर पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग पटना विश्वविद्यालय। Yeah.
निर्माण में दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ। संतराज सिंह रागेश कहा करते थे उनके जन्म के बारे में, इत मोछ ना बरछी के नो कहो मेरे इत मोट भोजपुरी में है, इत मोछ ना बरछी के नो कहो मेरे तरबार जैसे तेगा जैसे चोक कहो मेरे ऐसा पूत जन्माओ धन को कहो मेरे छपा छपका ने तलवार उनके सम्मान में दो शब्द हमने कह दिया। और उनके दरवाजे पर जिस समय मिस्टर टेलर ने जो उनको नोटिस दिया था आप उसी समय उनके दरबार में होली हो रहा है उसी का हम लोग चरित्र कर रहे हैं। Yeah.
Thank you.